इस तरह से तीसरा क्वार्टर शुरू होते ही झारखंड के टीम ने एक गोल का बढ़त बनाते हुए एक मजबूत स्थिति में अभी झारखंड की टीम ने देखना होगा पंजाब इस क्वार्टर में बराबरी कर पाती है नहीं। परमोदनी लकड़ा ने अपनी टीम के लिए पहला गोल करते हुए इस तरह से झारखंड की टीम ने एक बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम के लिए जोरदार मेहनत करते हुए गोल की और तलाश के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इस तरह बॉल साइड लाइन से बाहर पंजाब के लिए फ्री हिट। आगे बढ़ाते हुए पंजाब ने एक सुंदर प्रयास करते हुए डी एरिया में डालने की कोशिश, लेकिन यहां फाउल और झारखंड के लिए फ्री हिट मिलते हुए इस तरह से झारखंड की टीम ने एक बेहतर प्रदर्शन करते हुए बॉल को आगे बढ़ाते हुए डी एरिया में जाने की कोशिश, लेकिन इस तरह से फाउल का इशारा और पेनल्टी कॉर्नर मिलते हुए झारखंड के लिए और एक बेहतर मौका मिलते हुए देखना होगा इस कॉर्नर से झारखंड और एक बढ़त बना पाती है या नहीं। और झारखंड की तरफ से ये मौका बेकार जाते हुए पंजाब की ओर से जोरदार प्रहार, लेकिन खिलाड़ी नहीं होने के कारण बॉल साइड लाइन से बाहर और झारखंड को फिर हिट। झारखंड की टीम ने बॉल को बढ़ाते हुए अपने साथी खिलाड़ी को पास करते हुए, लेकिन यहां पर फाउल का इशारा। झारखंड बॉल बढ़ाते हुए अपने साथी को पास करते हुए एक सुंदर पास करते हुए डी एरिया में जाने का प्रयास, लेकिन पंजाब की और से सुंदर बचाव करते हुए और इस तरह से झारखंड और अटैक करते हुए फाउल का इशारा, पंजाब फिर हिट। पर झारखंड बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे दबाव बना के रखा है, जहां तक झारखंड का सवाल है पंजाब के ऊपर। मदरेका के पास पंजाब को एक फ्री हिट मिलता हुआ। 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आज पहला क्वार्टर फाइनल, दूसरा तीसरा क्वार्टर चल रहा है। यहाँ पर आधे समय का खत्म जब खेल हुआ, स्थिति 0-0 थी, लेकिन झारखंड ने यहाँ पर तीसरा क्वार्टर में एक बढ़त प्राप्त कर लिया है। और गेंद इस बार चली आई है दीपिका सोरेंग के पास, पीछे सरका दिया, बहुत अच्छा पास प्रिया डूडू के लिए। प्रिया डूडू ने बॉल को बढ़ा दिया दीप्ति कुल्लू के लिए, लेकिन पास बढ़ना चाहती थी गेंद, गर्दियन चली गई इस वक्त हरप्रीत कौर के पास। धीरे
किधर निकलने की कोशिश, बहुत कड़ी पेट्रोलिंग कर रखा है यहाँ पर। पंजाब के फॉरवर्ड खिलाड़ी को जहां तक झारखंड के खिलाड़ियों ने रोक के रखा है। दीप्ति कुल्लू के पास बॉल, गेंद चली इस वक्त यहाँ पर पंजाब के खिलाड़ी के पास। दीदे बनने की कोशिश पंजाब का, हमला पनपता हुआ। और यहाँ पर और एक बार काउंटर अटैक होता हुआ यहाँ पर झारखंड की तरफ से, बहुत तेजी के साथ बड़ी और मौका यहाँ पर मिला था। एलिन डूंडू के लिए पास बढ़ाया गया था, बॉल को ले नहीं पाई स्टिक के ऊपर। तीसरा क्वार्टर का खेल चलता हुआ, अभी भी झारखंड शून्य के मुकाबले एक गोल से आगे चल रही है। महिमा टेटे के पास बॉल, गेंद गई बाहर टच लाइन का। महिमा टेटे का समांतर पास सती खिलाड़ी के लिए, रूपनी कुमारी के लिए एक बढ़िया पास बनाने की कोशिश की गई थी रजनी करकट्टा के लिए। पीछे से गोल पोस्ट का पीछे। तीसरा क्वार्टर का खेल चलता हुआ, स्थिति अभी भी झारखंड अपने पक्ष में किए हुए है, शून्य के मुकाबले एक गोल से आगे चल रही है इस वक्त झारखंड की टीम। पंजाब को मैच में वापिस आने के लिए तो अपनी खेल की रणनीति को बदलना पड़ेगा, मानसिकता बदल कर खेलनी पड़ेगी पंजाब को, क्योंकि जिस तरह से झारखंड की खिलाड़ियां आक्रमण कर रही हैं, डी बॉक्स के ऊपर पहुंच रही हैं पंजाब के ऊपर, वो पंजाब के लिए सोचनीय विषय। बिल्कुल रक्षा पंक्ति को भेद के रख दिया है जहां तक पंजाब का सवाल है। पंजाब एक बार आक्रमण करते हुए एक मौका मिलता हुआ पंजाब को, और ये गोल पंजाब के द्वारा, यहाँ पहला गोल। स्थिति एक एक पे लाके खड़ा किया है बहुत देर के बाद, लेकिन पंजाब यहाँ पर खेल में वापस लौटी। और अब झारखंड एक पंजाब एक, झारखंड बहुत ही आत्मविश्वास के साथ खेल रही है, लेकिन पंजाब विश्वास की लहरों पर सवार है। पंजाब की भी टीम अभी तक धैर्य खोया नहीं पंजाब ने, और ये यहाँ पर इस बात का परिचय दे रहा है, परिचायक है कि किस विश्वास से पंजाब ने खेला। और मैच में वापस लौटती हुई इस वक्त पंजाब की टीम, स्थिति एक एक, पहला गोल झारखंड के द्वारा, और अभी भी कुछ देर पहले पंजाब ने एक गोल करके अपनी टीम को एक एक की स्थिति में ला खड़ा किया। बहुत स्थिति के ऊपर कड़ी नजर रखती हुई है पंजाब की टीम। पंजाब की इस वक्त कमलप्रीत कौर ने अपने सामने एक साथी खिलाड़ी को बॉल को बढ़ाया है, गेंद चली आई इस वक्त नवनीत कौर के पास। नवनीत कौर से जूझ रही वहां पे झारखंड की खिलाड़ी, और सफलता मिली है झारखंड के खिलाड़ी को। बॉल को बढ़ा दिया गया रजनी करकट्टा के लिए, सबसे खतरनाक खिलाड़ी, सबसे तेज खिलाड़ी है रजनी करकट्टा इस वक्त झारखंड की तरफ से जो खेल रही है। समांतर पास, बढ़िया पास बढ़ाया, धीरे धीरे निकलने की कोशिश में दीप्ति कुल्लू, और यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, फ्री हिट मिल गया है झारखंड को। दीप्ति कुल्लू एक बढ़िया पास, धीरे धीरे निकालने की कोशिश, लेकिन गलत पास। गेंद मिताली के पास इस वक्त है, मिताली ने बॉल को भेज दिया है। अच्छा पास संजना के लिए, संजना बॉल को बढ़ाने की कोशिश राइट आउट के खिलाड़ी के पास। धीरे धीरे बढ़ती हुई इस वक्त पंजाब की टीम धनबाद झारखंड के क्षेत्र में, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे आक्रमण बना के रखा है झारखंड ने पंजाब के ऊपर। लेकिन तारीफ करनी होगी पंजाब की भी खिलाड़ियों का कि उन्होंने अपने संयम को नहीं खोया, अपने विश्वास को नहीं खोया, और जबरदस्त यहाँ पे वापसी की है इस वक्त। तीसरा क्वार्टर का खेल चलता हुआ इस वक्त, एक मौका, बढ़िया मौका, और यह गोल, बहुत जबरदस्त गोल किया गया यहाँ पे झारखंड के द्वारा।
इस समय गोल किया है झारखंड के लिए दीपिका सोरेंग ने गोल किया है। दूसरा गोल झारखंड के द्वारा दीपिका सोरेंग के द्वारा, बहुत बिजली की भांति बॉल को लेकर निकली डी के अंदर और बंदूक की गोली की तरह अपने स्टिक से बॉल को जाल के अंदर डाल दिया। दूसरा गोल दीपिका सोरेंग के द्वारा, स्थिति 2-1। आत्मविश्वास से लबरेज है यहाँ पर झारखंड की टीम, तो दूसरी तरफ विश्वास की लहरों पे सवार है पंजाब की टीम। बहुत ही संभल के खेलना पड़ेगा पंजाब को झारखंड के विरुद्ध, क्योंकि जिस लय से झारखंड की टीम जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रही है डी बॉक्स के ऊपर, हमला बोल रही है झारखंड की टीम पंजाब के डी बॉक्स के ऊपर, निश्चित रूप से उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा पंजाब को। तीसरा क्वार्टर का खेल चलता हुआ और तीसरे क्वार्टर में यहाँ एक बढ़त बना लिया है जहां तक मेजबान झारखंड का सवाल है। परिस्थिति को अनुकूल करने के लिए पंजाब को यहाँ अपनी मानसिकता बदल कर खेलनी पड़ेगी, आक्रमण को तेज करना पड़ेगा पंजाब को। बाएं फ्लैंक से आक्रमण पनपने की कोशिश, लेकिन गेंद गई बाहर, वहां टच लाइन के बाहर। पंजाब इस वक्त जूझ रही है मैच में वापिस आने के लिए, 2-1 की स्थिति। और इस वक्त रजनी करकट्टा वहां पर जूझ रही थी, सफलता मिली पंजाब को बाएं फ्लैंक से। इस वक्त पंजाब बढ़ती हुई, साथी खिलाड़ी को पास, डायगोनल पास वहां डी के ऊपर डालने की कोशिश, लेती उतनी ही चौकन्नी वहां रक्षा बंदी के खिलाड़ी झारखंड, बॉल को अपने साथी खिलाड़ी को भेजा डी के मध्य रेखा को क्रॉस करते हुए। इस वक्त झारखंड के खिलाड़ी बॉल अच्छा पास दिया रजनी करकट्टा, सबसे तेज खिलाड़ी झारखंड का, गेंद उनसे छीनी और इस वक्त पंजाब के खिलाड़ी ने बहुत बेहतरीन पास बढ़ा दिया है संजना के लिए, संजना को गलत तरीके से रोका गया, फ्री हिट पंजाब। लेकिन चौकन्नी है वहां पर रूपनी कुमारी झारखंड, बॉल को बढ़ा दिया गया एलिन डुंगडुंग अपने राइट आउट के खिलाड़ी के लिए, लेकिन इससे पहले कि एलिन डुंगडुंग बॉल के नियंत्रण कर पाती, गेंद के अंदर काफी गति थी, गेंद गई बाहर टच लाइन का। फिर हिट हरप्रीत कौर इस वक्त लगाती हुई पंजाब की तरफ से, अच्छा वहां पर टेकलमेंट झारखंड के खिलाड़ी के द्वारा, बॉल को नियंत्रण नहीं कर पाई वहां पे झारखंड कीपर मोदी लकड़ा, और एक बार एडवांस होती हुई इस वक्त पंजाब की टीम। रेट मिला है झारखंड को अपने क्षेत्र में, तीसरा क्वार्टर का खेल चलता हुआ, यहां पर एक गोल की बढ़त बना के रखा है झारखंड ने। बहुत ही जबरदस्त हॉकी चलता हुआ इस वक्त यहां पर सिमडेगा के स्टोटप हॉकी स्टेडियम में, जहां तक 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी का सवाल है, और जहां तक सवाल है पहले क्वार्टर फाइनल का, दो सशक्त टीमें इस वक्त आमने सामने है, झारखंड मेजबान और दूसरी तरफ है पंजाब। लेकिन यहां पर स्थिति झारखंड 1 के मुकाबले 2 गोलों से आगे चल रही है। दूसरा क्वार्टर का खेल इस वक्त अपने अंतिम चरण में प्रवेश करता हुआ, बहुत ही तेज हॉकी देखने को मिला आज पहला क्वार्टर फाइनल मेजबान झारखंड और पंजाब के बीच जो चल रहा है। पहला गोल झारखंड ने किया था, फिर पंजाब, उसके बाद फिर झारखंड ने एक बार बना के लिया है, और इस बढ़त के साथ झारखंड 2 पंजाब 1। अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, आक्रमण की नीति को बदलना पड़ेगा पंजाब को मैच में वापस आने के लिए। झारखंड एक बार फिर आक्रमण के ऊपर उतारू, और एक फ्री हिट डी के ऊपर मिलता हुआ झारखंड को, अच्छा पास डी के अंदर बॉल को भेजने की कोशिश,
प्रमोदिनी लखड़ा वहां पर थी, फ्री हिट मिलता हुआ पंजाब को। ग्यारहवीं राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का पहला क्वार्टर फाइनल इस वक्त देख रहे हैं। उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी भी यूट्यूब या फेसबुक पे खेल देखना शुरू किया होगा, पीली रंग की जर्सी में खेल रही है झारखंड की टीम, लाल रंग की जर्सी में यहाँ पर है पंजाब। एक बहुत अच्छा आक्रमण इस वक्त बन पा था झारखंड की तरफ से। झारखंड की टीम 0-1 के मुकाबले 2 गोलों से आगे चल रही इस वक्त पंजाब से। एक बढ़त बना के रखा है झारखंड ने पंजाब के ऊपर। बहुत ही कांटेदार टक्कर इस वक्त दो टीमों के बीच। राहें इतनी आसान नहीं है पंजाब के लिए, बहुत ही सोच समझ के खेलना पड़ेगा, संभल के खेलना पड़ेगा पंजाब को, क्योंकि झारखंड जिस लय से का खेल रही है काबिले तारीफ। तेज आक्रमण, सटीक पास, सारी चीजों का समावेश देखने को मिला। और ये यहाँ पर